नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 7 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका 8वां चैप्टर है, हाशियाकरण से निपटना। लास्ट 7वां चैप्टर था आपका, हाशियाकरण की समझ देखी थी। अब इसमें बात करेंगे कि हाशियाकरण से आखिर निपट किस तरह से करते हैं। पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूह और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकत पर हों, लेकिन उन्होंने अलग दलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया, अपनी आवाज उठाई और संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया। धार्मिक संतावना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानता से निपटने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए। आजादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी रहीं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्ष के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। हम यह भी देखेंगे इसमें कि विभिन्न समुदायों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानून की शक्ल कैसे दी जाती है, या इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकारों का उपयोग। जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, तो उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध भी। याद रखिए, दलित शब्द का इस्तेमाल, या दल शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समुदाय ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद अपनाया है। अभी कुछ दिन पहले एमपी में हाईकोर्ट का निर्णय भी आया था जिसमें दलित शब्द पर रोक भी लगाया था हाईकोर्ट ने, एमपी हाईकोर्ट ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं
जो अस्पृश्यता के खिलाफ। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया कि भारत में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप कक्षा 7वीं में समानता पर केंद्रित अध्याय में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी और इस बात पर जोर दिया कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के आधार पर जोर दिया है। जहां तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है तो मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति का सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान में ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व न ही वह नष्ट हो। यह कविता देख लीजिए, यहाँ एक कविता है। यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवियत्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है और 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। सोयराबाई महार जाति की थी। उस समय यह जाति अछूत मानी जाती थी। काया है दूषित कहना उनका और केवल आत्मा है वेदा, लेकिन दूषित कराया पैदा होती है काया के भीतर ही। हे अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया, ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो ना खून सनी कोक से, यही है उसी सुर की महिमा। इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम ना रखना, महारी चोखा का यह कहना। इस कविता में सोयराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही हैं कि उन प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो एक ही देह को ज्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती है। संभवतः यह भी कहना चाहती हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल मान्यताओं से पैदा होता है। अब बात करते हैं हाशियाई तबकों के लिए कानून। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्यवाही नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सभी अवसर उपलब्ध कराया जा सके। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले या फिर भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं है। कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इस तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए
सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने, नई निपुणताएं हासिल करने के अवसर से वंचित रखा गया, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है? देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों यानी कि दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इस तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है, जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। और अगर कोई खास दलित जाति या सरकार या जनजाति सरकारी सूची में है, तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकेगा। कॉलेजों, खास तौर से मेडिकल कॉलेजों जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ यानी कि न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इनमें उन्हें दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है, न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। नवीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हाशियाई समुदायों को भेदभाव शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जखमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता धोबन के इस पानी से नहाता है। जगमालपुर में काम रतन के परिवार के लोग करते हैं। रतनम से पहले उसके पिता और दादा यह काम करते थे। उन्हें कभी मंदिर में दाखिला नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रतनम की बारी थी। रतनम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने यह रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता है। उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी खपाते। ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई से उसे बिगाड़ दिया है। अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा। माजी मूवी देखी होगी आपने, उसी तरह हाल है। जब उसे पता चलता है कि सब जात पात खत्म हो गई है, ऊंच नीच की भावना, तो वो गांव के सरपंच जो बड़े आदमी होते हैं उससे गले लगता है। आपने देखा होगा, देखिए अच्छी मूवी है माजी। रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम देना बंद कर दें तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी? ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का संभाल ही नहीं उठता है।
ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा भाग निकला। उसने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं है। वे डरे हुए थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालात भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादित रस्म को खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों से उसका बहिष्कार कर दिया था। पता है आपको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आपका जो 1989 है, ये MPPSC के फेवरेट क्वेश्चन था। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब आपको पता होगा कि 2020 से इस सिलेबस बदल गया है MPPSC का, तो आपके जो भी एक्ट आते थे उन्हें हटा दिया गया है। ठीक, वरना इससे इन एक्टों से सभी से 20 से 25 क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते थे, कभी 15, कभी 17, कभी 20, कभी 25। आगे बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के आधार पर बनाया गया था। उस समय सरकार इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यो तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिरी और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आगे दलित संगठन सामने आए। उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज उठाई। विकथा तथा कथित जातीय दायित्व का निर्वाह करने को तैयार नहीं हुए थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए थे। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाया कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानून में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए। इस तरह के अपराध करने वालों के लिए एक सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। इसी प्रकार 1970 और 1980 के दशक को आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर हिंसा हुई। यही वजह है कि इन कानूनों में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोच कर ही दिल दहल जाता है। इन कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को खाद्य आखाद अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। अनुसूची
आगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं, उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे या देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों की उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनके गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या फिर उससे अपने नाम स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने एक्ट जरूरी है, आपको लगता है आपके लिए जरूरी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्ट को तो एमपी स्पेशल जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं तीनों एक्ट आपके, ठीक है। अगर जरूरी समझें तो पढ़ लें वहां से। भाषा की अपनी पुस्तक में अपने कवि के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे, पेशे से बुनकर कवि भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आ जाता। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समुचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष और साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात में दलित हाशियाई समूह और सामाजिक ऊंच नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पद चिन्हों को गाते हैं। पंडित देखिए इस कविता को। पंडित देखियो मन में जानी, कहूं धो छूती कहां से उपजी, तभी छूती तुम मानी। एक ही पाठ सकल बैठाए, छूती ले धोखा की, छूती जीवन छूती अजीवन, छूती जब उपचाया, कहें कभी तिन छूती विवर्जित जाके संग न माया। संदर्भ, इस पद में कवि ने बताया है कि प्राणियों की तीन स्थितियां होती हैं, जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं। तीनों के मूल में गंदगी है, फिर छुआछूत का भेदभाव कैसा। व्याख्या, कबीर कहते हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहां से उत्पन्न हो गई। तुमने बिना सोचे समझे छूत नामक एक भावना बना ली। प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पेड़े पर सभी समान रूप से बिठा दिया है, फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसे अछूत। अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से संयुक्त है, इसी छूत से सभी उत्पन्न है, फिर उनसे कौन बचा है। अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है। और कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है। कबीर अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पृश्यता ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजित विचारों से पूरी तरह मुक्त है। लिहाजा कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था की बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं।
हाथ से मैला उठाने का कलंक। बहुत सारे लोग झाड़ू टेंग टोकरियों के सहारे पशुओं स्थानों की मलबूत को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर के स्थानों तक फेंक कर आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यही काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक 100 सूखे शौचालय की सफाई करते हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिसमें उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिका में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाकी और तमिलनाडु के सिक्कल यार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास भटकने भी नहीं दिया जाता। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैचुअल स्क्रेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटिंस एक्ट 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों जिसमें 7 मैला ढोने वाले थे ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर पिछले थे। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग मंत्रालय को आदेश दिया कि वे 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी विचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। बात कर लेते हैं आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अपनी जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापित से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह कानून भी जनजातीय समुदाय की केवल वही लाभ देता है जिसका संविधान में आश्वासन किया गया था। उनका कहना है कि संविधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीन का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं
और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजना बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर अन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया। इस कानून में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी गई। इस कानून में यह भी कहा गया कि वन और जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इस चैप्टर का। किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता है कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को असली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। ये आपके कुछ शब्द हैं, नहीं भी देख लेते हैं। आग्रही, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे आग्रही कहा जाता है। बहिष्कार, इसका मतलब किसी व्यक्ति या समुदाय को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से होता है। इस अध्याय में यह शब्द व्यक्ति और उसके परिवार की सामाजिक बहिष्कार के विषय में आया है। नैतिक रूप से निंदनीय, ये ऐसे कृत्य होते हैं जो सभ्यता और प्रतिष्ठा के सारे कायदे कानून के खिलाफ होते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे घृणित और अपमानजनक कृत्यों के लिए किया जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के खिलाफ होते हैं। नीति, एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों व दिशा निर्देशों की व्याख्या करती है। इस अध्याय में हमने सरकारी नीतियों का उल्लेख किया है, लेकिन स्कूल, कंपनी आदि अन्य संस्थाओं को भी अपनी नीतियां होती। तो चलिए, ये था आपका 8वां चैप्टर, हाशियाकरण से निपटना। 9वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जन सुविधाओं के बारे में। ठीक है।